अरे आपके मोहब्बत की दुकान में आपका लूट का सामान पकड़ा गया है, अब तो कम से कम सफाई मत दीजिए। आपके आपके कांग्रेस के एक नहीं, जीप घोटाला, यूरिया घोटाला, टेम्पो घोटाला, साइकिल घोटाला, आप घोटालों की श्रृंखला, और आपके राहुल गांधी और सोनिया गांधी हेराल्ड घोटाले में जमानत पर हैं, और आम आदमी पार्टी के तीन नेता जेल में हैं जिनको जमानत नहीं मिल रही है। अब भी ये दोनों लोग चोर चोर मौसेरे भाई हैं, क्योंकि अदालत ने सिद्ध कर दिया ये जमानत पर है, ये जेल में है, जमानत नहीं। तो काहे के लिए आए थे भैया? सर रेलवे ज्वाइनिंग के लिए आए थे। तो भैया नियुक्ति पत्र मिल जाए तो क्या हो जाए, शादी हो जाए। वहां 350 करोड़ है जी सर। समझ में नहीं पाओगे, गिनती नहीं जोड़ पाओगे जी। जनाब देखिए, जिस जिस जिसने भी घोटाला किया है उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और आम आदमी पार्टी इस चीज़ का स्टैंड लेके खड़ी है कि अगर किसी तरह की अनियमितता बढ़ती गई है या उनके घर जो भी कैश मिला है उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये वेंडिक्टिव नहीं होनी चाहिए, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आपको विपक्ष के लोग ही दिखाई दें और कार्रवाइयाँ सारी विपक्षियों पर ही हों। ₹350 करोड़ वही मिला, हाँ बिल्कुल, उस पर कार्रवाई हो, जो उन्होंने गुनाह किया है उसकी सजा उन्हें मिले। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ विपक्ष के ही नेता मिले। आप एक वॉशिंग मशीन लेके घूम रहे हैं कि जिसमें आप स्टेज पे से जिस पे आरोप लगाते हैं खड़े होके कि इन्होंने इतने का घोटाला किया, कल वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं तो वो दूध के दूध कहते। जब अगर आपके पार्टी में आ जाते हैं, मैं तीन आदमी है मुझे बहुत परेशान, मैं ब्रेक के बाद तीनों का इलाज करूंगा, एक आप और तीसरे आप, तीनों का इलाज ब्रेक के बाद कर दूंगा मैं, तीनों का जी। 2014 का जब चुनाव देश में हुआ तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, आज भी है, जनता चाहती है, आज भी है, बिल्कुल जनता चाहती है कि आर पार का फैसला होना चाहिए। इस देश में भ्रष्टाचार के मामले में एक बार ही, मैं तुमको कह रहा हूं चुपचाप हो जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूं, प्लीज नहीं दूंगा, चुपचाप तुम गार्ड साहब उधर जाइए, आप क्या हाथ बांधे, उधर से जाइए, इसमें ले जाइए और इनको ले जाइए इधर से, और उधर से ये पीछे जो खड़ा है आदमी, ये इसको भी ले जाइए, चलो इसको ले जाओ। कहां बेरोजगारी है, रोज शाम को बेरोजगारी हो रही है यहां पे। तो उन्होंने कहा 2014 में कहा कि इस देश ने आर पार का फैसला किया कि भ्रष्टाचार पे बिल्कुल आर पार की बात होनी चाहिए। सवाल यही है, आज का जो बहस है उसका मुद्दा भी यही है कि क्या ये जो कार्रवाई है ये उपयुक्त है, और जिस तरह से मिल रहे हैं पैसे ये भ्रष्टाचार की उसी अंतिम लड़ाई की एक कड़ी है। यहीं से बातचीत की बहस शुरू होती है जी। पाठक जी योर चांस। देखिए, देश में आज अगर कहीं भी पैसा मिल रहा है भ्रष्टाचार का, कोई आम जनता या हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, आप एक जर्नलिस्ट हो, इतने सम्मानित जर्नलिस्ट हो, क्या किसी के घर में इतने सारे पैसे मिलते हैं? और दूसरी बात, आम आदमी पार्टी जो कह रही है कि वॉशिंग मशीन, कांग्रेस ने बीजेपी को हिमाचल में हराया, कर्नाटक में 40% कमीशन का मुद्दा उठाया था और वहीं पे हराया, आज एक भी बीजेपी का भ्रष्टाचारी नेता क्यों नहीं जेल के अंदर है? कांग्रेस वहां पे कर क्या रही है? राजस्थान में इनकी सरकार 5 साल की चली गई, छत्तीसगढ़ में चली गई, अगर बीजेपी के भ्रष्टाचारी नेता थे तो उनको जेल में डालना चाहिए था, क्यों 5 साल इन्होंने गंवा दिए? दूसरी बात, जो राहुल गांधी जी आर्टिकल 370 चाहे जो भी मुद्दे लेके आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने, आज मैं 370 पे बात करूंगा, पहले इस समय जो ऐतिहासिक फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में वो अच्छी बात है, सबने देखा, सितंबर में चुनाव होना चाहिए, कोर्ट ने कहा सितंबर में चुनाव। मैं मुद्दे पे रहूंगा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे डाइवर्ट मत करिए। सवाल यह है कि एक हाथ में एक शख्स नियुक्त पत्र के लिए इंतजार कर रहा है, आप बड़े आराम से मुद्दा उठाते हैं ना कि भ्रष्टाचार, नौकरी, बेरोजगारी, और एक की अलमारियों में 47 बैग बरामद होते हैं, 50 से ज्यादा बैंक, आईटी के लोग लगे हैं,
छह दिन से गिना जा रहा है नोट, नोट गिना जा रहा है, तमाशा है ये, तमाशा।